पागल बनाते रहो कट गया मेरा ना, कोई भी एक बार में काम बनता ही नहीं है चाहे कुछ भी। नमस्कार दगड़ियों, मैं भावनी। नमस्कार दगड़ियों, मैं भावना पोखरियाल आप सभी का एक नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो आज चल रही है हवा बहुत मस्त, और मैं ये रहे हमारे घर, हमारे सारे हमारे घर हैं, मतलब यहाँ पे रहते हैं हम, ये हमारी सोसाइटी है। और मैं निकली हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए। आज कुछ नहीं हुआ है, आज ठीक है तबीयत, मतलब ठीक हुआ मैं। तो मैं जा रही हूँ वैक्सीन लगवाने, बूस्टर डोज, तो बस वही लगवाने निकली हूँ। अन्नू को भी बोला था, पर कह रही मेरा अभी एक ही हाथ ठीक नहीं हुआ, फिर मैं दूसरा हाथ में भी दर्द क्यों करूँ। तो ठीक है भाई, मैं लगवा लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया भी, मैं एग्ज़ाम से वो सो चल रहा था, तो इसलिए नहीं लगवाया मैंने। मम्मी ने भी लगवा लिया, मैं रह रही हूँ, तो मैंने सोचा मैं भी लगवा लेती हूँ। अब मेरा एक एग्ज़ाम बचा हुआ है बस। अन्नू भी आ गई, मम्मी आ गई थी 19 को, और अन्नू आई 21 को आई अन्नू दिल्ली से। बस यही चल रहा है, और चलो बस अब चलते हैं। यार कल मेरे को ना एक गाय दिखी थी, वही है शायद, उसके ना पैर के नीचे जो वो होता है ना, गाय के खुर कहते हैं जैसे, वो निकल रखा था उसके, वो बेचारी चल भी नहीं पा रही। जब मैं कल एग्ज़ाम दे के आ रही थी ना, तब देखा मैंने, पर ये वो नहीं है, ये दूसरी गाय है मेरी। बार बार देती हूँ, मुझे डर लगता है कि गायों को देख के कहीं ठोक ना दे। बस फिर चलो चल के वहाँ पे ही मिलती हूँ, बनाने देंगे वीडियो। तो मैं आ गई हूँ घर, और वैक्सीन नहीं लगी। मेरा ना कोई भी एक बार में काम बनता ही नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए। अब आज गई वैक्सीन लगवाने, लोग मेरे को ऐसे ऐसे देख रहे हैं क्या कर रही है। तो आज गई मैं वैक्सीन लगवाने, लेकिन आज नहीं लगी। अभी उन्होंने नाम नंबर वगैरह, नाम और मोबाइल नंबर वगैरह ले लिया, और कहा जब, क्योंकि वो तब खोलते हैं ना वैक्सीन जब 10 लोग हो गए, और आज थे नहीं 10 जने, तो इसलिए आज नहीं लगी। अब देखते हैं कब लगती है। और मम्मी ने मुझसे सिर्फ चाय पत्ती मंगाई थी कि वहाँ से आते टाइम चाय पत्ती भी ले आई हो, लेकिन मैं और भी चीज़ें ले आई हूँ। तो देखते हैं मम्मी क्या बोलती है, खाली देंगी और क्या करेंगी। मैगी वगैरह ले आई मैं, बस नमकीन भी ले रही थी, लेकिन नमकीन थी ही नहीं, एक ही पैकेट था, किसी और ने ले लिया था। तो अब पहुंच ही गए हैं ऑलमोस्ट घर, थोड़ा सा ही रह रहा है। पैदल जाके तो थक ही जाते हैं, चाहे धूप हो चाहे, वैसे धूप भी आ ही रही है, बीच बीच में धूप आ जा रही है, और फिर थोड़ा धूप आ रही है, फिर चली जा रही है, फिर हवा चल रही है, ऐसे चल रहा है सिस्टम। तो अब घर जाके मिलते हैं। गेट वाला बोल रहा, मैंने कहा कल कंप्लेन लिखवानी है, कहता कि अभी नहीं लिखेगी शाम को लिखेगी। मैंने कहा कल से तो हमें घुमा रहे, चार बार घूम गए हम, पहले भाई आया,
परसों परसों का नहीं पता था मुझे, कल का बोल रहे हैं। मैंने कहा दिन में भाई आया, आपने कहा शाम को लिखवाना, शाम को मम्मी आई, आपने कहा एक घंटे बाद आना, एक घंटे बाद बहन आई, आपने कहा कल सुबह आना, शाम को आना। मैंने कहा कल वैसे ऐसे ही घुमाते रहोगे और हमारा पागल बनाते रहोगे अभी बैठ के। हंसने लग गया, फिर मिठाई खाओ मिठाई खाओ। मैंने कहा मैं नहीं खाती मिठाई, पता नहीं खुशी का है, खा लो। एक भुजिया रखी हुई थी, फिर मैंने इतना सब टुकड़ा छोड़ा। हाँ ये कल में खुलवाना है। मैंने कहा खुलवाना ही है। मैंने कहा पिछली बार आए थे वो कंडेंसर लगा के, इसके लिए क्यों आए? हाँ कंडेंसर लगा के बोला था कि वो बल्ब जमा नहीं कर रहे हैं। वो भी नहीं कर रहे, शाम को ही तो कर रहे होंगे। एक आंटी आई, एक आंटी ने बोला भैया मेरे बल्ब जमा कर दो और मेरा पीछे का वो बनवा दो, क्या बोलते हैं सांपट, वो बनवा दो और उसके बाद में आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए मैं कभी कंप्लेन नहीं रख पाऊंगी। कह रहे नहीं होंगे नहीं होंगे तो नहीं रखा आजकल ज्यादा जरूरत है। ये और भी आती मुझे तो लगा आप इतने के लिए डांटोगे तो हम मत करो। ये मैं स्प्रे वाला लाना हूँ, ये तो है तो हमारे घर में अंदर भी है। आगे हम क्या दिखाते हैं व्लॉग में देखते हैं क्या दिखाएंगे आज और आगे। आयुष अभी सो के उठ रहा है, अभी उसकी आंखें ऐसे हो रखी हैं। अभी उठ रहे हैं अभी आपके साथ ही बत्ती जाए तो आपकी एक बार में कोई काम ही नहीं बनता है तो हल यही सही है। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो मम्मी? गंदी वो तो गंदी आएगी। मम्मी लो। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कल मैंने वहीं पे व्लॉग छोड़ दिया था, उसके आगे कुछ खाई नहीं दिखाने के लिए, तो अभी नेक्स्ट डे व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी सुबह सुबह हम लोगों का सारा काम निपट चुका है, अब हम आए हैं गार्डन में और अपनी बंजर धरती को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए फिर से हम लोग अभी तो खुदाई कर रही हैं मम्मी, उसके बाद राई वगैरह उगाएंगे। और अभी पहले मम्मी पौधों में छिड़काव कर रही है क्योंकि कीड़े लग रहे हैं। ये देखो ये बीन्स का पौधा है, इसमें भी पूरे कीड़े लग गए हैं। उधर कद्दू की बेल है उसमें भी लग गए हैं, लौकी की। अच्छा कद्दू की नहीं है, कद्दू की खराब हो गई है, खराब खराब हो जाता है सब यहाँ पे, फिर भी मेहनत करना अच्छा लगता है। भिंडी तो खा ही ली थी हमने कुछ दिन, अभी ये निकाला मम्मी ने। करेले तो दो दो तीन दिन निकल ही जाते हैं दूसरे दिन, लेकिन तोरी आज फर्स्ट डे निकाली है, मतलब अभी फर्स्ट ही उगी होगी ये, तो इसको भी यहाँ पे रख देते हैं। और ये था हमारा आम का पेड़, लेकिन इधर इन्होंने गार्डन बनाया है किसी और ने, इन्होंने इस पर बांध दी तार और कुछ इतना खींच के बांध दी ना उन्होंने, पेड़ कट रहा है तो अब हम उसको थोड़ा ढीला कर रहे हैं तार को। हाँ पूरा पेड़ कट गया, ये कटने वाला है, कट गया यहाँ भी, अरे यहाँ भी। तो अभी तो ऐसी खुदाई होगी कुछ देर, उसके तो जब तक मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, बाकी अंदर का पूजा पाठ वगैरह भी करनी है, बाकी काम भी करने हैं, नाश्ता भी बनाना है, तो मैं वो काम निपटा लेती हूँ। मम्मी गार्डन का काम निपटा रही है, तो अब बाद में दिखाऊंगी फिर कितनी
मेरे काम निपटाने के बाद मम्मी कहाँ तक पहुँचती है। चलो मम्मी बाय बाय। और जैसे ही मैं अंदर गई झमाझम बारिश लग गई और मम्मी का काम वहीं पे रुक गया, बाकी मेरा काम तो होना ही था। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर ये व्लॉग आप सभी को थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।